नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। मारपीट कर अंजाम भुगतने की धमकी देने का मामला हुआ दर्ज। बहरोड संसदगढ़ थाना क्षेत्र के करोड़ा गांव में दुलंडी पर मारपीट और अंजाम भुगतने की धमकी देने का मामला सामने आया। करोड़ा गांव निवासी अभय सिंह पुत्र श्रीचंद यादव ने बहरोड सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वह विजय, अशोक, सोनू, मोनू के साथ गांव के ग्राउंड में दुलंडी खेल रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में 6-7 लड़के आया और हमारे ऊपर लकड़ी और रॉड से हमला कर दिया। हमारे घर के आने के बाद लोकेश अजमेरीपुर ने मोबाइल से अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए कहा कि तेरे गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं तो तू निगरानी रखता है, जान से खत्म करने आ रहा। लगभग 10 मिनट बाद 3 गाड़ियों में लगभग 15 से 18 लड़के आए। सुरेंद्र पुत्र मुकेश और भगत जी और फिल्म स्टाइल में बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी, इसमें बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गाँव वालों ने हमारे बीच बचाव किया और कहा कि बदमाश आए दिन हमारे गाँव की लड़कियों पर फक्तियां कसते हैं, जिससे गांव में भारी तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है अगर पुलिस इन पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो गांव को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इनके साथ मारपीट कर जाती है डंडे से, राड़ से। फिर ये बच्चे गांव में फोन करते हैं, वो फिर और फोन करके वहाँ से 2 बोलेरो फिर आती है, ठीक है। फिर इनको मारने की धमकी दे जाते हैं, भागते हुए फायरिंग कर जाते हैं। जैसे आवाज फायरिंग सुनी जो गाँव वाले पूरे भेड़े हुए और फिर पता चला कहाँ के अजमेरपुर के गांव के थे। उनकी हर बार 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी मीटिंग होती है उसके अंदर यही बात उठती है, गाँव के बाहर के बच्चे आते हैं और गांव के चौपाल है, चोरिया है, स्कूल की तरफ जाते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं। बच्चे आती उनको बोलते हैं, किसी का कोई भाई बोलता है, कोई चाचा बोलता है, उसको क्या मौका दे के एक लोग पीट जाते हैं। ऐसी घटना गाँव में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इनके खिलाफ थाने में काफ़ी लूट मार, डकैती का, चोरी का है, मंथली का 20 मुकदमा दर्ज है, पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस आज भी 2 घंटे लेट पूछी है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र यादव। दुकान बताइए। ये कारोड़ा गांव की घटना है, ग्राउंड के अंदर सुबह 11 बजे के आसपास आते हैं और हमारे साथ मारपीट की, उसके बाद दोबारा फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद 2 गाड़ी और आते हैं और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, चलते टाइम फायर कर गए। एक बाइक है उसको चढ़ा के बाइक के ऊपर, एक भाई के हाथ के लगी है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती बच गए थोड़ा सा। पुलिस मौके पर पहुंची है कि मामला वगैरह दर्ज करवाया? इसे 2 घंटे लेट पहुंची पुलिस को फोन किया, बाद 2 घंटे लगभग पहुंची। थाने में मामला वगैरह दर्ज करवाया? अब जा रहे हैं। कि पहले कई बार वैसी भी घटनाएं हो चुकी हैं छोटी मोटी, लोगों में डर भी है इनका, एक आदमी सामने नहीं आता, ये इस तरह से एक एक को करके जिस भांड बेटियां उधर से स्कूल में जाती बच्चियों को बोलते हैं। अभी इन्होंने आज ये घटना की है और मतलब गाड़ी को ऐसे भगाया है जिससे खाली रोड हो, उसमें बहुत बच गए, नहीं तो 2 नीचे मर भी सकते थे। एक लड़के के लगी है, संदीप नाम है, साइड में उसके जो चपेट में नीचे नहीं है, साइड में गया है। एक बाइक टूटी है और जाते समय उन्होंने फायरिंग की, आज की घटना है। पुलिस प्रशासन अगर इस पर सख्त अगर कोई कार्रवाई करता है तो ठीक है, ये तो गांव बस्ती मिलकर इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगा, गांव जरूर इस पर सख्त है। ये आज की